रबे सुलझा देने वाला तू बड़ा है, हम तुझे से मांगते हैं, करता है तो ही अता। हाँ मुश्किलों की कर कुशाई, गम से दे हमें रिहाई, इतनी सी है इल्तिजा। बिखरे हुए शर्मसार है हम, रहमत के तलबगार है हम, वास्ता नबी का मौला रख लो भरम, कर दो करम मौला कर दो करम, हम पे करम अल्लाह हम पे करम। तूने इस्म सिखाए, नूह से कश्ती को बनवाया, आग लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया, वो भेज के मिस्र में यूसुफ को शहनशाह मिस्र बनाया, यूनस को पेट में मछली के आयते करीमा पढ़वाया, यूनस को पेट में मछली के आयते करीमा पढ़वाया, तेरे हुक्म से मूसा ने दरियाए नील पार किया, तेरे हुक्म से मूसा ने दरियाए नील पार किया, मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजजा है दिया, मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजजा है दिया, आखिर में मेरे आका को मेराज पे बुलाया, दीदार है कराया, मेराज पे बुलाया, दीदार है कराया, मेराज पे बुलाया, दीदार है कराया, मेराज पे बुलाया, दीदार है कराया। या रब्बे जुलजला कर दो करम। ज़ेज़ू 98.2 आया मैं जिस तुझो हो। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2। Thank you.
ठाक हैं, खैरियत से हैं। This is Morning Vibes with me. आपको हमारे साथ रेकअप से लेकर पूरे पूरे 11 बजे तक करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन इससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे वो स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए या फिर जाए ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर से सिस्टम है, आपको यहाँ भी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना था कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्नल लिसनर, सुनो बहुत घुन्नबन बता दीजिए, सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके रोज आना रहे, हम कुछ नहीं गाएंगे, सचिव हम गाएंगे सिर्फ और सिर्फ वेलकम। करने के लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीके का, क्या करेंगे आप सर्च करेंगे ZDFM 98.1 फेसबुक एंड सगीदा फरहाना अली ऑन फेसबुक एज वेल, दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से लाइक एंड फॉलो कीजिएगा, मजीद आगे जाएंगे आप नजर इंस्टाग्राम सर्च कीजिएगा @RJFarhanaOfficial, तो वहां पर भी मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर आपने जल्दी से फॉलो कर लेना ताकि आपकी जिंदगी बाहर निखार से बाहर सब कुछ आ जाए। मजीद आगे जाएंगे नजर आएगा ट्विटर एंड यूट्यूब सर्च करेंगे @RJFarhanaOfficial, RJFarhanaOfficial नहीं सर्च करेंगे, सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली कराची की कली। सो जी मंडे आया, हम आए आप आए नहीं, स्वागत आप शहर से बाहर, सुबह से बाहर, मुल्क से बाहर, कोई मसले वाली बात नहीं, बहुत इजीली हमारा शो सुन सकते हैं ऑन फेसबुक ऑन माय टीना रेडियो ऐप, और अगर आप चले जाएंगे जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर तो वहां पर भी आपको हमारे रेडियो का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे परेशान नहीं होना, वो क्या कहते हैं कि जब हम हैं तो फिर क्या काम है, क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं। हाँ तो भाई कैसा गुजारा वीकेंड, सैटरडे संडे, तो चाहे आप शहर से बाहर हो, सुबह से बाहर हो, मुल्क से बाहर हो, क्या फर्क पड़ता है, बस आपने ना आप से बाहर नहीं होना, क्योंकि हमारे शो में आने के लिए आप पे में आना पड़ता है, आप पे में आइए, हमारे शो में आइए, वेलकम करेंगे आपको, ठीक हो गया जी। तो बहुत सारी बातें करेंगे आज भी, बताएंगे खबरें शबरें क्या चल रहा है दुनिया में, और साथ ही साथ बताएंगे आपको आपके सितारों का अहवाल, आज के मजीद दो टॉपिक्स मजेदार से वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक गाना सुनाएंगे, भैया आपको गाना भी तो सुनाना है, गाना जो मैंने निकाला ना, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको प्ले करूँ कि ना करूँ, बिकॉज ये कॉपीराइट हो सकता है इस पर भाई, बड़ा खतरनाक वाला। सो आज हम कोई कोक स्टूडियो का गाना प्ले करते हैं जो बहुत टाइम से हमने नहीं सुना है, और मैं प्ले ही नहीं करती हूँ ना कोई भी सॉन्ग लेकिन कोई बात नहीं, हम प्ले करते हैं। आई एम ट्राइंग कि मैं कौन सा गाना प्ले करूं, ये वाला, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, जो बहुत बार प्ले किया उसको हम नहीं प्ले करेंगे, सम्मी बार सुने आज तो चलें जी हम ये वाला गाना सुनते हैं। ये वाला गाना मैंने जरा आपको कम सुनाया, सही है, तो ये वाला गाना हम डेडिकेट करेंगे अंबर को। अंबर अगर आप सुन रही है तो दिस सॉन्ग इज फॉर यू, राइट, दिस इज ढोला, नो ढोला ते नो रोला चिल लाइफ। बहुत ही सारी बातें, आपने तक कहीं नहीं जाना, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी चले जाएंगे ना तो इतना पछताएंगे, जैसे दो दिन आप लोगों ने मुझे मिस किया ना, इससे कहीं ज्यादा मिस करेंगे देखिए बंदे को इतना ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए। माने
ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਢੋਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋ ਸਾਡਾ ਤੇ ਢੋਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਯਾਰ ਹੋ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਢੋਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਯਾਰ ਹੋ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ Plus 9 on the dial right now. Okay. Haji, I am late today. And I just got stuck in traffic actually. So
आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. इससे पहले लोग इतनी देर में आई हूँ आप तो पहले बता दो. तो भाई ट्रैफिक का लोग बहुत ज्यादा होता है मंडे को. तो हाँ जी तो ऐसे ही हुआ है. हाँ तो घर से जल्दी निकला करें, आ जाएंगे ना सारे दानिशमंद यहाँ पे. सो चैलेंज आज के दो रॉबिक्स आपको बताते हैं. सो हमने जो है वो टॉपिक रखा, मेरे ख्याल से मैंने कई बार जो है वो टॉपिक रखा है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि आजकल आपके दिल में क्या ख्याल आता है. राइट सो आज आप मुझे बताएंगे कि आजकल आप लोगों के दिल में क्या ख्याल आता है, या आजकल आपके दिल में क्या ख्याल आता है. बात तो देखिए सही है, पहले तो ये बता दें. साथ साथ आप लोग बताएंगे कि अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए तो आप उससे बचत करके आप कौन सी चीज खरीदेंगे. चलें जी आज हमने एक बोंगा टॉपिक रख लिया, आज हमने भी लोगों की तरह. नहीं नहीं मैंने किसी भी टॉन्ट नहीं मारा, मैं ऐवें बोल रही हूँ कि बोंगी बातें करते हैं ना लोग, जैसे हमारे शो में आके लोग बोंगे मारते हैं, हर वक्त बोंगे मारते हैं, बोंगे मारने के अलावा कोई काम ही नहीं है. कभी कोई फेक आईडी बना के आ जाता है, कभी कोई वैसे आके बोंगे मारता है. सो आज है 3 अक्टूबर और आज है हमारे जो ZFM 98.2 के PM हैं, प्रोग्रामिंग हेड हैं, उनकी बर्थडे है. तो हम साबिर भाई को, साबिर अजीम साहब को, जो हमारे हेड हैं, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, बिल्कुल हमारे दोस्तों की तरह रहते हैं और यू नो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनको हम उनका जन्मदिन मुबारकबाद देते हैं उनकी, और उनको दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला उनको बहुत 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 ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाए, बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए, और वो ऐसे ही हमारे सर पे जो है वो हेड बन के रहे और अच्छी अच्छी बातें करते रहे, अच्छे अच्छे शोज हमसे करवाते रहे और हमारी ना सैलरी में भी इजाफा करवा दें. आमीन दुआएं. चले जी ये अच्छी बात है ना. चले जी साबिर भाई अगर आप सुन रहे हैं तो भाई खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां दिखाए, दिल से दुआ है. और कोई भी परेशानी कभी आपकी राह में रुकावट बनकर ना आए, और अगर कभी कभी कोई परेशानी आ भी जाए तो वो ना आपको देख के बस दम दबा के भाग जाए. खबरें जरूर बता दें क्या चल रहा है, मंडे को आते हैं मैं पता चल जाता है कल क्या हुआ है पाकिस्तान पाकिस्तान के मैच का क्या हो गया. भाई हम तो देखते ही नहीं, ले हमें टेंशन ही नहीं होती ना, तो हम टेंशन लेते हैं ना, हम ये सोचते हैं भाई इसने ऐसा खेला ये उसने वैसा खेला, जो लोग देखते हैं भाई सारा मजा तो उनको आता है. कैसे पाकिस्तान की बदतरीन फील्डिंग कल के मैच में, और ना बाबर आजम जो कैप्टन थे उन्होंने इंग्लैंड के 2 अहम कैचेस ड्रॉप कर दिए. तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स अ गेम. क्या हो गया मतलब इतना लोग इतना जज्बाती क्यों जाते हैं हमारे यहाँ, मुझे समझ में नहीं आता. ठीक है वो भी इंसान है, कभी वो भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, या कभी अच्छी परफॉर्मेंस जब इतनी ज़्यादा दे देते हैं तब तो आप लोग इतना उनको यू नो अप्रिशिएट नहीं करते जितनी आप लोग बुराइयाँ करते हैं. इट्स ओके, ठीक है, होता है, खेल है भाई. अगर पाकिस्तान जीत जाता उनकी टीम जो है वो बुरा परफॉर्म करती तो उनकी टीम तो उनके साथ ऐसा कभी ना करती जैसा पाकिस्तान करते ना पाकिस्तानी टीम के साथ, या इंडियंस करते हैं अपनी इंडियन टीम के साथ. यू नो ये हमारे एशियंस होते हैं ना, ये बड़े कोई जज्बाती इमोशनल टाइप लोग होते हैं. सो भाई बाबर आजम ने भी ये कहा, देखिए कभी हम जीत जाते हैं कभी हम हार जाते हैं, ये क्रिकेट की खूबसूरती है, सिर्फ क्रिकेट की नहीं है हर खेल की खूबसूरती है, ऐसे ही होता है. राइट मतलब इतना कोई तनकीद का निशाना बनाया गया है कल बेचारों को, कोई बात नहीं. तो कल मेरे ख्याल से आखिरी मैच था है ना इंग्लैंड का पाकिस्तान के साथ, ऑफ कोर्स. तो भाई 2 माह के बाद पाक ईरान रेल सर्विसेज जो है वो दोबारा से बहाल कर दी गई है, और तुर्की के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी माल गाड़ियों की भी जो है वो यू नो आमद शुरू हो गई है. पाकिस्तान में इमदादी सामान आ रहा है सैलाब जदगान के लिए, और सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा बल्कि पूरे पाकिस्तान से इतनी कोई मदद की जा रही है. और ज़रूर आप लोग हिस्सा लेते रहिए, ज़रूर कोशिश करते रहिए, अपने बहन भाइयों को ज़रूर याद रखें जो वहाँ पर मुश्किलात में फंसे हुए हैं, उनको ना भूलें चाहे कुछ हो जाए. राइट और इसके अलावा भाई वारदातों का सिलसिला जारी है, आप लोग ख्याल रखें और यू नो अपनी सिक्योरिटी का ज़रूर ख्याल रखें, जहाँ भी कहीं जाएँ दुआएँ पढ़ के निकलें, और साथ साथ जितना पॉसिबल हो सके
ऐसी ज्यादा बड़ी कीमती चीजें लेकर ना निकले घर से, राइट? सो बात करेंगे आपके स्टार्स की कि आज आपके स्टार्स क्या कह रहे हैं, आप लोगों का दिन कैसे रहेगा। आज पीर है, यानी कि इतनी जल्दी देखें अब ना अक्टूबर आ गया, फिर नवंबर दिसंबर, फिर दोबारा नया साल शुरू हो जाएगा। इतनी जल्दी साल पे साल गुजरते चले जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा, और सारे गोल्स गोल्स लोगों के वहीं के वहीं हैं, किसी ने कोई काम नहीं किया। हाँ, कुछ लोगों ने अच्छा काम कर लिया, कुछ लोग अच्छे लोग कुछ लोग अच्छे लोग आ गए हैं और कुछ लोग चले गए हैं जिनकी वजह से जिंदगी अच्छी हो गई है। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो चलें जी बात करते हैं क्वेरीज की। क्वेरीज के लोगों के लिए आज के दिन रहेगा कैसा? आज अपने तयशुदा शेड्यूल में जल्दबाजी का लफ्ज निकाल कर अपने मामलात को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसके अलावा किसी भी हालत में वक्ती मफादात के उसूल के लिए तजाद बयानी से काम ना लें, वरना आपके बड़े करीब दोस्त आपसे नाराज हो जाएंगे। तो अपने लिए मजीद आराम का वक्त जरूर निकालें, और आपको आज अपनी समाजी हैसियत की बहुत फिक्र रहेगी, जबकि आप बहुत अच्छे हालात में अपने आप को एडजस्ट भी करना चाहेंगे। अपने मौजूदा हालात से फायदा उठाने में आपकी सलाहियत बहुत ज्यादा कारगर साबित ना होगी, और ना ही आप अपनी काबिलियत से दूसरों को मुतासर करने में कामयाब होंगे, इसलिए नई राह का इंतखाब जरूरी है। बात करेंगे पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? सो पाइसेस वालों, आर यू देयर? तो आज अगर आपने अपनी तवज्जो अपने काम या फराइज पर मबजूल ना की तो आपके सीनियर्स की जानिब से आपकी सरजनिश हो सकती है, क्योंकि कई एक अहम काम अभी तक सिर्फ आपकी वजह से ही अलतवा का शिकार चले आ रहे हैं और उन्हें आपने बर वक्त मुकम्मल ना किया, तो फिर ऐसा मौका आ जाएगा कि फिर जो है वो आपके लिए बड़ी मुश्किल पेश आ जाएंगी। लेकिन आपको अगर ऐसा मौका आ भी जाए तो आपको अपना एतमाद बहाल रखना बड़ा जरूरी होगा। तहम्मुल मिजाजी के साथ ना सिर्फ अपनी पोजीशन वाज़ह करने की कोशिश करें, बल्कि इस सूरत हाल की मुकम्मल वजाहत भी जरूर करें, ताकि सबको इल्म हो जाए भाई कि आपका कोई कसूर नहीं है। ये तो आपकी आदत है। ओके, बात करेंगे एरीज की। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? तो आज आपको अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने का और कोई रास्ता नहीं है। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। हाँ जी, एरीज से मुझे याद आ गया कि अंबर जो है वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो डेंगू का जो है वो शिकार हो गई हैं। आप लोगों से इल्तिजा है, दरख्वास्त है, खुदा रहा उनको याद रखिएगा अपनी दुआओं में, ताकि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। सो आज आपको अपने मनफी जज्बात पर जो है वो काबू रखना होगा। अपने कारोबारी मंसूबों या मौजूदा मामलात पर भरपूर तवज्जो देनी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन कोशिश आप जरूर करें अपने अहदाफ के हसूल के लिए। चाहे आपको किसी भी जज्बाती रिश्ते को वक्ती तौर पर नजरअंदाज क्यों ना करना पड़े, ऐसा कर गुजरें ताकि आप अपने मिशन में कामयाब हो सकें। ऐसे में अपने दोस्तों की जानिब से मिलने वाला दावतनामा भी नजरअंदाज कर दें, क्योंकि इसके लिए आपको किसी बहाने की जरूरत नहीं होगी। बात करेंगे टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? सो टॉरस वालों, आज अपने प्यारों के साथ कई दिनों से जारी रंजिश का खात्मा मुमकिन हो सकता है, बल्कि जिन गलत फहमियों की बुनियाद पर ये सब कुछ किया गया था उनकी अजाले की कोशिशों के लिए भी अपनी जद्दोजहद को आप तेज कर सकते हैं। इसके अलावा कई इकदाम के बारे में आप खुलकर अपने खदशात का इजहार भी कर सकते हैं। अपने अंदर हौसला पैदा करके दूसरों का नुक्ता नजर समझने की कोशिश भी जरूर करें, उससे आपकी मोहब्बत भरी जिंदगी वापस अपनी डगर पर आ सकेगी। आपका कोई करीबी रिश्ता, रिश्तेदार या फिर फर्ज आपकी माली हालात में बेहतरी पैदा करने की मौजूदा कोशिशों में आपका साथ दे सकेगा, और इसी बुनियाद पर अपने लिए इज्जत और तकरीम का हुसूल भी आप मुमकिन बना सकेंगे। ठीक हो गया जी चैलेंज। अब हम एक काम करते हैं कि हम जो है वो बात करते हैं जेमिनाई की। जेमिनाई के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या लगा? So, आज अपने जोश और जज्बात को अपने काबू में रखें और किसी भी किस्म की बेचैनी पैदा ना होने दें, वरना बाहमी लेन देन या गुफ्तगू के दौरान सख्त अल्फाज का तबादला या गर्मी सर्दी हो सकती है। अपने आप को पुरसकून बनाने के लिए कुछ देर मसरूफियात का इंतखाब जरूरी होगा, और अपने इर्द गिर्द के हालात को समझने की कोशिश करें। किसी ख्वाब के बारे में सोच कर परेशान ना होने, सही है, परेशान नहीं होना। सो आपके ख्वाबों की ताबीर आपके ख्यालों से भी ज्यादा मुख्तलिफ हो सकती है। तो अपनी तालीमी कमी को मुरवज्जा तरीके से पढ़ाई शुरू करके पूरा करने की कोशिश करने में यकीनी कामयाबी के इम्कानात वाज़ेह नहीं होंगे। अपने प्यारों के बारे में कोई ना खुशगवार खबर मिलने की वजह से आपका दिल परेशान हो सकता है। सो बात करेंगे कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज के दिन कैसे रहेगा? आज बहुत से मुहिम जोई पर मबनी अमूर के बारे में आपका जहन साफ और अंदाज़े फिक्र वाज़े होना जरूरी होगा, इसलिए आज ऐसे किसी भी काम के करीब मत जाएं कि जिसमें किसी भी इबहाम का शायबा हो। आज अपने लाइफ पार्टनर के बारे में ज्यादा फिक्रमंद होना जरूरी नहीं जितना कि उसे इस बात का एहसास दिलाना जरूरी है। सो गैर शादीशुदा हजरात के लिए आज खुशखबरी हो सकती है कि आज सुबह से ही उनकी किसी से कोई बात करने का दिल तो नहीं चाहेगा। ये कोई खुशखबरी है? ये कैसी खुशखबरी है? कह रहे भाई किसी से मुलाकात करने से गुरेज करें आज।
चलें जी कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं, फिर हम जाएंगे एक ट्रैक की जाने, देखते हैं कौन कौन कहां कहां से मौजूद है हमारे साथ, किस किस ने अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दी, और कौन है जो ढीठ है जिसने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई है और खामोशी से सुन रहे घुन्ने बन के। राना इमरान राजपूत कहते हैं वेलकम सिस्टर फरहाना शो में, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नियाज लाचारी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि आज हमारे ZFM के हेड साबिर अजीमी भाई का जन्मदिन है, तो हमारी जाने से बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, हमेशा खुश रहें, अल्लाह पाक आपको बहुत सी खुशियां अता फरमाए, आमीन समाइन, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ मुदस्सिर एहसान वालेकुम अस्सलाम। नियाज लाचारी कहते हैं वाह वाह बेहतरीन सॉन्ग, चलिए जी बहुत शुक्रिया। सबत खान वालेकुम अस्सलाम, और साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि रूबरू बात सहूलत से बयां होती है, आ कहीं मिल तो बताऊं कि मोहब्बत क्या होती है। अच्छा भाई हमने बोला कि शेर शेर करनी है, बोला हमने हैं काशी वाली मिले मैडम बहुत देर कर दी आने में, देखा बस मैंने तो पहले ही कहा था। अच्छा जी जिशान कागर कहते हैं कि मेरा सब बहन और बहनों भाइयों से दरख्वास्त है कि मेरा दुबई जाने का काम शुरू हो, बस दुआ करना। चलें जी हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाब करे। काशी बनने वाले कहते हैं बहुत गुना मिलेगा आपको, मिलेगा इतना सारा गुना, इतने सारे जो शो मिस किए ना आपने, हमें तो कोई गुना नहीं मिलेगा, हम तो आ गए। रिजवान जलबानी कहते हैं नुसरत फतेह अली खान का सॉन्ग प्ले करते हैं, बहुत शुक्रिया भाई, हर जो है वो आपकी अगर एक बार फरमाइश पूरी हो गई, हर दफा नहीं होता है। वफा जाकर जमाली वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वेरी वेल, थैंक यू। और साथ साथ काशी वाली मलिक कहते हैं हर शख्स ने हमें परखा ऐसे, सारे इम्तहान ना हम पर ही फर्ज हो जैसे, वाह 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 वाह। अच्छा जी साथ साथ कहते हैं न्याज आचार्य तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, पाकिस्तान लव पाकिस्तान। ओके चलिए मोहसिन लागत वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। आप बताइए आप कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है, खैरियत से हैं आप? कहते हैं अल्लाह पाक आपकी उम्र में और रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन सुब्बान, जज़ाकअल्लाह, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। काशी वाले मलिक कहते हैं मैडम ये गाना सुना दे, चल वहां जाते हैं, चल वहां जाते हैं, ये पाकिस्तानी गाना है, पहले जरा जरा आंखें खोल के और कान खोल के जरा सुन के आइए, आंखें खोल के देखिएगा नाम। कहते हैं कि हम ना मैं तो हम तो गाने ही नहीं सुनते और गानों के नाम आगे बताते हैं, वो भी इंडियन। मनाजिर महमूद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू फ्रॉम कतर, वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेल, आप बताइए आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। कहते हैं कि मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं, गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल है जितना सही होकर खुद को सही साबित करना है। साबित करने की जरूरत नहीं है, वक्त सब कुछ बता देता है, जो जैसा सोचते हैं ना उसको सोचने दें। पता है क्या मसला क्या है कि हम ना इस बात में अपने आप को हलकान कर लेते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, भाई हमने तो सही किया, अगला बंदा हमारे बारे में गलत सोच रहा है, हमने तो ऐसा किया नहीं, सोचने दें, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप ये सोचेंगे कि आपको लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप देखिएगा हमारा मसला सारा ये कि आधी जिंदगी ना, बल्कि आधी क्या पूरी जिंदगी हम इसी सोच में गुजार देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यार सोचने दो, लोगों को जो सोचना है वो तो सोचेंगे क्योंकि उनके पास और तो कोई काम ही नहीं है, तो आपके बारे में सोचेंगे ना, तो सोचने दो, क्या फर्क पड़ता है। इमरान नासिर चौहान कहते हैं गुड मॉर्निंग प्यारी बहन, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। और साथ साथ कहते हैं काशिफ अली मलिक अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, अरे अभी अच्छा हो तो अच्छा बनने के लिए मेहनत करेंगे। हाँ जी सही हो गया, जबरदस्त हो गया। साथ साथ आबिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हिजाबी आरजे, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि जी बच्चों हम अक्सर ना पटरी से उतर जाते हैं जब कोई खुशियां कामयाबी नसीब हो और कोई बड़ा दिन आ जाए तो अच्छी मिसाल बन जाते हैं, हमें मुश्किल मिजाज मुस्तकिल मिजाज होना पड़ेगा जनाब। हाँ जी ऐसे ही है। साथ साथ कहते हैं मोहसिन लियाकत की ये सिर्फ एक चैरिटी मैच था सैलाब जदगान के लिए, थैंक्स टू इंग्लैंड टीम, अल्लाह पाक उन्हें इज्जत खैर उन्हें जजाए खैर अता फरमाए, आमीन सो में, चैलेंज जी जबरदस्त हो गया। साथ साथ सावत खान कहते हैं कि आप 27 अगस्त का स्टार बता दें, 27 अगस्त का स्टार होगा आई गेस के लिव होगा, नहीं लिव नहीं होगा, 27 अगस्त का स्टार है वर्गो, हाँ जी वर्गो है। और साथ साथ राना इमरान राजपूत कहते हैं अल्लाह पाक आपको और साबिर अजीमी भाई और ZU टीम को और तमाम लिसनर्स को सलामत और बहुत सारी खुशियां अता करें, आमीन सुआमीन। आबिद भी कहते हैं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं ना अगर कभी भी ना कंवारा होता तो कैसा होता, मैं जहां चाहता जाता और जी चाहे करता घूमता फिरता बट ये उन दिनों की बात है जब हम ना पागल पागल रहते थे। ओके
काशी वाले वाले कहते हैं भाई आपकी दोस्त के लिए बहुत सी दुआएं, लबाग आपकी दोस्त को अंबर इस्लाम को जल्द से जल्द सेहत या सेहत अदा करे, आमीन समामीन, बहुत शुक्रिया। साथ साथ काशी वाले कहते हैं बहुत दिमाग खाती हैं आप, तो फिर क्या हो गया दिमाग खाने की आती हूँ यहाँ पे। ओके राणा इमरान कहते हैं कैला बाग से दिल से दुआ है कि हमारी बहन अंबर इस्लाम बहुत जल्द सेहत और तंदुरुस्ती और सलामती वाली जिंदगी अदा करे, आमीन समामीन, बहुत शुक्रिया। कहते हैं और जिनका बर्थडे है उन भाई और बहनों को हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो, चैलेंज जबरदस्त हो गया। और साथ साथ राणा इमरान राजपूत कहते हैं कि आसमान पर जाने वाली सबसे बड़ी चीज़ इखलास और जमीन पर उतरने वाली सबसे बड़ी चीज़ तौफीक है, और जिस बंदे के अंदर जितना इखलास होता है उसी के मुताबिक उसे तौफीक मिलती है, और जिनका भरोसा अल्लाह हो मंजिल उनकी कामयाबी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। साथ साथ आबिदी ने भी भाई साबिर अजीमी भाई को, यानी साबिर भाई को जो है वो यू नो कह रहे हैं कि आप भाई के लिए प्ले करें ना लाइयां लाइयां और तेरे नाल ढूंढना है, ये कौन अच्छा वो वाला गाना, चलें प्ले करते हैं, हम क्यों नहीं प्ले करते हैं। और ये गाना मैं प्ले करूंगी, लेकिन अभी मैं इसको ढूंढना पड़ेगा, मैं कोशिश करूंगी कि ये ना ये वाला पाकिस्तानी सॉन्ग जो है वो वाला प्ले ना करूं जो फिल्म वाला है, क्योंकि उस पर आ जाएगा कॉपीराइट, वो जो कॉपीराइट वाला है ना, ये किसी और ने भी गाया था गाना, अगर ये फुल सॉन्ग मुझे मिल जाए ना तो मैं इसको प्ले कर दूंगी। लेट्स सी आके ये फुल सॉन्ग यहाँ पर है या नहीं है, राइट। और अच्छा जी यहाँ पर ये चल रहा है, सो ये तो बड़ा कोई यू नो हाँ जी आ गया गाना, हाँ जी ये इतना गाना तो है कि हम सुन सकें। तो मौसम जाकर कहते हैं कि अल्लाह पाक अमर बहन को सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन सुमामीन। कहते हैं जल्द अज जल्द वो रिकवर हो जाएं, इनका साया हमेशा उनके बच्चों पर सलामत रहे, आमीन सुमामीन, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया मौसम। और साथ साथ राना इमरान राजपूत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर फरहाना, सलामत रहे, और आपको आमना ने सलाम बोला है, चैलेंज जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आमना का। मीर तौफीक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप बारजी साहिबा, मीर फ्रॉम घोटकी सिंध से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए मेरे भाई आप ठीक हैं, आप खैरियत से हैं। साथ साथ काशी वली मलिक कहते हैं जनाब मुझे नहीं पता, जब ये रिक्शों में चलता है हूँ सुनते हैं तो आपको बता देते हैं, बस कर दें बस, आप तो कोई नन्हे काके हैं ऐसे, मतलब ऐसे मासूम बन जाएंगे अल्लाह माफ करे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। चैलेंज ये वाला गाना जो है वो हम सुनेंगे यहाँ से शुरू से, और 10 बजने वाले हैं, 10 बजे के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर हम आपकी कॉल्स को भी शामिल करेंगे, और नंबर नोट कर लीजिए, इट इज 03213660303 इज द नंबर टू कॉल, तमाम लोग कॉल कर सकते हैं, आज मंडे है। समीर तौफीक कहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो हमारा क्या होगा, मैडम एग्जैक्टली तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रे मेरे कोलना, मैं लुटी गई ढोलना, मैं लुटी गई लाया 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 लाया।
सजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं तेरे नाम पे खो जाऊं सैया लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सी रे आ मेरे कोलना वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई लाया लाया
दोबारा कॉल रिसीव करते हैं, लेट्स सी कि कौन है हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जीती रहो मेरी बेटी। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है पहली कॉल है। हाँ जी अंकल, पहली कॉल है आपकी। अच्छा तो अच्छा, पहले तो ये कि ज़ैनब ने आपको सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम, और ज़ैनब को भी मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं और सलाम। बहुत सारी दुआएं और आपको सलाम कह रही है बेटी, ठीक है। अच्छा अभी आप सुने जी, रेडियो एफएम की हॉट सीट की मलिका और मेमन अंकल की लाडली बेटी सैयदा फराना अली जी, आज मॉर्निंग वाइब्स के पक्ष पर से मेमन अंकल अपने कुछ लव्स उन मुस्लिम हस्तियों के नाम करना चाहता है जी, जिनमें मोहसिन भाई, साबिर भाई, जिनमें जिनमें मॉर्निंग वाइब्स शो के मोहसिन भाई, साबिर भाई जी, प्रोड्यूसर, इंजीनियर, जेडीयू एफएम के मैनेजमेंट जी, और साथ साथ लिसनर हैं एस एम रजा, अनवर जावेद भट्टी, रमजान मलिक, मोहसिन लियाकत, राणा इमरान राजपूत, मसूद अहमद, आबिद अमीर और बोंगीबाज फराज जी, इनके लिए तो गौर से सुनिएगा जी। प्यार प्यार छुपा है मॉर्निंग वाइब्स में इतना प्यार छुपा है मॉर्निंग वाइब्स में इतना जितने सागर में मोती, चूम लेता मैं हाथ तुम्हारा पास जो तुम मेरे होते, प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्हीं ने सिखलाई। क्या बात है। आखिर में नैना 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 बिछाए बैठे हैं हम ताकि हमारे जीवन संवर जाए मॉर्निंग वाइफ के जरिए। सही, वाह क्या बात है अंकल। प्यार की प्रीत की यूं ही बरसात रहे, मॉर्निंग वाइफ तेरा मेरा साथ रहे इंशाल्लाह। ओके ओके, अम्मी अब्बू को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुशियों में रहो, खुशियां लुटाती रहो मेरी बेटी। आमीन सो आमीन इंशाल्लाह। अंकल आप भी बहुत ज्यादा खुश रहे, और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और ज़ैनब को सेहत तंदुरुस्ती वाले जिंदगी अदा फरमाए। आमीन सुमा आमीन सुमा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हाँ जी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज अंकल, फी अमान अल्लाह। ओके जी, और हाँ जी हाँ जी हाँ जी आगे जी, अरे आगे जी, अरे हाँ जी हाँ जी। कॉल आ रही है, लेट्स सी कि कौन है हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत कम आवाज आ रही है शहनाज, बहुत कम आ रही है। अब सही आ रही है? हाँ जी बेहतर आ रही है। अभी क्या किया है? यार मैं तो बहुत परेशान हूँ, आपका शो ही नहीं आ रहा मेरी तरफ।
हाँ जी, अभी रेडियो पर नहीं आ रहा है शो, अभी फेसबुक पर आ रहा है और रेडियो एक ऐप है माई ट्यूनर ऐप, उस पर आ रहा है। अच्छा, हाँ जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, जबरदस्त माशाल्लाह। ये शो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, काम चल रहा है, अब जैसे ही काम मुकम्मल होगा वैसे ही रेडियो पे शो आना शुरू हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही है क्योंकि वो बीच में ब्रेक आया था, लेकिन फेसबुक पर एक हफ्ते से स्टार्ट हो चुका है, अभी दूसरा हफ्ता है, फेसबुक पर जा रहा है और ऐप पर जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल। अरे नहीं, परेशान ना हुआ करें, बस आप दुआ किया करें। नहीं नहीं, बाहर निकाल सवार चल रहे हैं और रेडियो वालों के पास दोबारा आ जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। चले, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अलाफिज। ओके जी, और लोगों की ये मोहब्बत है कि लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि रेडियो पर शो नहीं जा रहा है, ऑफ कोर्स। सो इंशाल्लाह 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 कुछ दिनों में ये काम मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर रेडियो वाले भी सुन पाएंगे हमें, जब तक जो लोग सुन रहे हैं अच्छी बात है, जब तक वो लोग एंजॉय करें। यू पीपल आर लकी यू नो। राना इमरान राजपूत कहते हैं, क्या भाई ख्याल करना आजकल ना लूट मार बहुत हो रही है, भेड़ ना कहना कहना। कह रहे मैं लुटी गई हूं। कहते हैं आवेद मीर कि बाजी डेंगी ने आपको कैसे काट लिया, खैर फिर उस डेंगी का क्या हुआ होगा। खैर आप हर चीज पर ना लींबू लगा कर खाए और पानी बहुत पिए। हाँ, हर चीज पर लींबू लगा के खाए। मैंने अंबर को खास ताकीद की कि अंबर खबरदार किसी के बताए हुए टोटके को तुमने आजमाया। हाँ, जो डॉक्टर कहे वो करना है। मैंने अंबर को यही कहा कि देखो खबरदार किसी टोटके को मत आजमाना, 10 लोग आएंगे बताएंगे ये वाला टोटका कर लो, ये वाला टोटका कर लो, खबरदार तुमने कोई टोटका आजमाया। कदम पर खान मुल्तानी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं बस्ती मलूक सुखंदी सलीम, बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप इतनी दूर से हमें सुनते हैं। और साथ साथ काशिप अली मालिक कहते हैं, अल्लाह बाकी नेक बंदी ऐसे ही नहीं सुनते, अगर बता दो तो क्यों कहते हैं आपको। हाँ जी सही है सही है। 03-2136-6-0-3-0-3 इस नंबर पर कॉल आ रही है, चलिए जल्दी देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पर कौन है। एंड अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो चुकी है यार, कॉल करने के बाद बात करनी चाहिए, ऐसे कौन करता है। और साथ साथ राणा इमरान राजपूत कहते हैं कि ओह वाओ नाइस, मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार जेडीयू वालों से करता है, क्या क्या बात है, वाह वाह। और मैं है तारिक कलास रहा, हमें सुनते हैं लैया पंजाब से, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रबिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। हाँ भाई, शो सुन रही हो? नहीं आज तो नहीं सुन रही। क्यों नहीं सुन रही भाई, हैं? हेलो, हाँ शो क्यों नहीं सुन रही? मैं बस तो बीमार थी इसलिए, अभी बीमार थी, चारपाई पे पड़ी हूँ। चलो भाई, गेट वेल सून, अल्लाह ताला आपको सेहत याबी अता फरमाए, अपना ख्याल रखें। आप लोग जिसको देखो हर कोई बीमार हो रहा है भाई, ख्याल रखें आप लोग अपना। हाँ, वो जंक फूड ना खाया करें, आप लोग का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आप बीमार नहीं होंगे। अच्छा, हाँ। मैंने फोन पे चार्ज नहीं था आज, मैंने बोला सुनूंगी, लेकिन वो चार्ज नहीं है फोन पे, चार्ज नहीं है तो चार्ज कर ले ना, रेडियो पे शो नहीं आ रहा। लेकिन क्यों? हाँ, सिर्फ फेसबुक पर आ रहा है अभी। ये क्या हो अभी, क्यों? बस अभी फेसबुक पर आ रहा है, जब तक फेसबुक पर आ रहा है फेसबुक पर सुन लो, फिर चार्ज करके सुन लेना। दिन में तो फेसबुक होता नहीं है मेरे पास, बस। अच्छा, इसलिए अभी। चलो रात में रिपीट पे सुन लेना। हाँ ये सही है, सही है ना। और कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी सी। अच्छा, क्यूट सी, क्यूट सी, मासूम सी। मासूम तरीन हूँ मैं। हाँ, एक और मासूम हो तुम्हारे साथ, तब बस।
हाँ सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और बताओ लड़की, और कुछ कहना चाहोगी? अच्छे टॉपिक तो बताओ ना। हाँ, तो शो सुन रही नहीं हो, टॉपिक क्यों बताओ भाई? हैं तो फेसबुक पे चल रही है ना, मेरे पास फेसबुक नहीं है। हाँ तो फेसबुक पे तो चल रही है, तुमको तो पता ही नहीं था कि फेसबुक पे चल रही है, तुम तो समझी कि रेडियो पे भी चल रही है। हाँ ना, मेरे मुझे जब तुमको तो पता ही नहीं था तो फिर हम तुमको टॉपिक क्यों बताए? अच्छा और तो क्या फेसबुक पे नहीं सुनूंगी। हाँ फिर धमकी जाओ नहीं सुनो है। नहीं मजाक, चलो ये बताओ कभी कभी तुम बताओ तुम्हारे दिल में अक्सर क्या ख्याल आता है, या आजकल क्या ख्याल आता है? आजकल ख्याल आता है कि बस सही ठीक हो जाओ, बस पहले जैसी। पहले जैसी, चलो इंशाल्लाह। हाँ। बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक हो गया? ठीक है। और सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सब लिसनर कैसे हैं? मुझे नहीं पता सब लिसनर वैसे ही हैं जैसे थे। अच्छा बदले तो नहीं है? नहीं बदले नहीं, वैसे ही हैं। कुछ और ज्यादा बोंगे हो गए। ये हो तो पहले से और मजीद भी हो गए कुछ। चलो लड़की अपना ख्याल रखना, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू सो मच कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। ओके रांझा जी, रांझा जी फिरा कि बंदा अपना नाम नहीं बताता, शो सुनता नहीं है। कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को, मेरा दिल से सलाम और शो बहुत अच्छा है, आई मीन शो बेटर गोइंग। ओह रियली, प्लीज डोंट टेल मी। इधर कहते हैं परी परी एक स्पेशल शो आप भी करें ना, मिलाते मुस्तफा का प्लीज। आई विल ट्राई इंशाल्लाह, या तो हम फ्राइडे को कर लेंगे उसको, राइट? ये हो सकता है ना कि हम उसको फ्राइडे को कर लें। शहरयार गौरी कहते हैं कि हाय फरहाना जी, हाय। और सियासत काशी वाली मलिक कहते हैं लबा की नेक बंदी, ये जो आपके चैनल की तरफ से जो स्टार मिला है ना, इस पर कभी एक तो कभी दो लिखा होता है, ऐसा क्यों है? इनको ना आप बोलेंगे ना एक नंबर देते हैं कोई भी। भाई मुझे नहीं पता ये क्या है। और शहरयार गौरी, वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेरी वेल, आप बताइए आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? और साथ ही साथ फरहानुद्दीन, वालेकुम अस्सलाम। और काशी वाली मलिक कहते हैं अरे मेवन चाचू सुने, हम जा रहे हैं चाय पीने। ओके आप ना इतना बात करें, हम आते हैं। बस बोंगी मार लें, बोंगी मार लें आप। हाँ देखा, आपका नाम नहीं लिया ना, ये आपकी हरकतों की वजह से। चले जी लेट जी के कौन है मर्ज़ लाइन पर, एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरहाना सिस्टर, क्या हाल है? मेरे हाल बहुत अच्छे, आप बताइए मेरे भाई राना इमरान, आप कैसे? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं ठीक ठाक। हाँ जी क्या आबिद भाई, क्या बोल रहे हैं? आबिद भाई तो बस बोलते रहते हैं। मैंने कह दिया ना, मैंने बोला ऐसा ना हो, लूट मार बहुत हो रही है बाहर, कहीं हो जाए कुछ तो फिर आके बोलो मैं लुटी गई हूँ। हाँ जी मैंने पढ़ा ये कमेंट आपका। फिर भाभी ने घर में भी नहीं घुसना देना, ये भी बता दें। नहीं भाई अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, आप लोग सब जो बाहर जाएं तो आप लोग सब महफूज रहे, जो बाहर जाते हैं। मजाक होता सिस्टर, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये कि बस अल्लाह पाक सबको सलामत रखे और कुछ रखे। आमीन आमीन। तो टॉपिक पे आपका क्या, ये कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हाँ, आजकल क्या ख्याल आता है? आजकल क्या ख्याल आता है? पहले का तो पता नहीं है, लेकिन आज ख्याल आया मेरे दिल में। क्या ख्याल आया? आज ये ख्याल आया कि मैं आशा भाभी को बोलूं कि आप इस भाई जो है ना टोट के अच्छे दे लेते हैं, इनको एक क्लिनिक खोल लें। हकीम, इनको ना नीम हकीम बनाएंगे। प्रॉपर्टी का काम बहुत कर लिया लोगों ने, बहुत आगे ना, इनको क्लिनिक खोल दे। नहीं नहीं, ये ना नीम हकीम बनेंगे, इनको हकीम की दुकान खोलेंगे। नींबू डाल के नहीं खा रहे हैं, अंबर बहन को जो है ना नींबू डाल के लोगों को ना फक्की देंगे, ये पुड़िया में बांध बांध के नींबू वाली फक्की बना बना के देंगे। इनका नाम भी ना अनोखा तो रखेंगे, बिरयानी हकीम। वो सुना ना नीम हकीम खतरा है जान। ये तो नीम हकीम के पास से भी नहीं गुजरे, ये नहीं बोलेंगे हम, बोलेंगे नीम हकीम खतरा है मर जान। हम ना इनका नाम रखेंगे बिरयानी हकीम। जो बात है बोलेंगे, आज आ रहे हो ना दवा लेने, अगली बार आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आखिरी बार दवा लेके जा रहे हो हमसे। सही है, जबरदस्त हो गया। और कुछ कहना चाहेंगे? जेब ना कर जाए बस किसी और की। मेरे भाई ने बुरा नहीं मनाएंगे, भाई है मेरे। सही है, और कुछ कहेंगे मेरे भाई?
सब अल्लाह का करम है सिस्टर, आपकी जो है ठीक ठाक। चलें जबरदस्त हो गया, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। बोल रहा था मैंने वहाँ भूल ही गया। क्या चीज? अच्छा मैं कह रहा था रेडियो पर शो कब आएगा? हाँ नहीं रेडियो पर आ जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। मैंने तो आज शो के लिए छुट्टी की है। अरे अरे ना करें छुट्टी, ना किया करें भाई, अपने कामों पे जाया करें आप, शो तो आप लोग बातें भी सुन सकते हैं। आप वहाँ पे जुगाड़ कर लिया करें, लेकिन आप लोग काम पे जरूर चले जाया करें। पे तो सुन लेते हैं रेडियो पे, लेकिन अभी रेडियो नहीं चल रहा तो क्या। बस इंशाल्लाह रेडियो आ जाएगा बहुत जल्दी। फिर बाकी अली भाई से बात होती है मेरी, आमना के भाई से। अच्छा अच्छा। रात को भी हुई थी, आज सुबह भी हुई थी, तो आमना कह रही थी कि भाई सिस्टर को बहुत बहुत सलाम देना मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। और एक डायलॉग भी मारा था, मैं भूल गया। वो खुद ही आगे मारेंगे डायलॉग वो सारे। डायलॉग मारा था उसने, पता नहीं कौन सा मारा। अच्छा। से निकल गया। अच्छा चलो, तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और अंकल अंकल के लिए बहुत सारी दुआ, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। आमीन सबके लिए। ओके जी, सो ये गाना जो है वो मैंने प्ले किया था ना, हम जरा इसको अगर बैकग्राउंड सुन ले तो कैसा रहेगा। आई जस्ट लव दिस ट्रैक एक्चुअली। सो जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन। चले जी ना, मेरा ना एक दिल चाह रहा है एक और गाना भी सुने हम, लेकिन वो ये वाला गाना तो नहीं है। वो वाला कौन सा गाना था? चले जी हम ये वाला गाना ना बैकग्राउंड में सुनेंगे। एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू लिसन टू दैट सॉन्ग, लेकिन चले इसको प्ले कर देते हैं। सो बैकग्राउंड में सुनेंगे। कॉल आ रही है, कॉल ड्रॉप हो गई, मैंने सोचा मैं रिसीव कर लूं। पता नहीं किसकी कॉल थी। करते हुए थके सो जाती हूँ, सिरहाने आसमां, जाने कहां मुड़ जाती है, देखते देखते तुझे ये गलियां, तेरी तरह खुशबू चले, तारे हमारी तरह रातों से मिले। चलें जी कॉलर को शामिल करते हैं, लेट्स सी कौन है हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है महरीन, कैसी हैं आप? मैं बीमार हूँ। बीमार है? अरे सब बीमार क्यों हो गए, क्या हो गया महरीन? जी आप बताएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए क्या हो गया भाई आपको? मुझे और बस सर में दर्द। अच्छा सर में दर्द है। चलें जी आप ख्याल करें अपना, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतियाब करे। मौसम चेंज हो रहा है तो इसलिए मेरे ख्याल से वायरल इन्फेक्शन कुछ ज्यादा ही हो गए, डेंगू बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बहुत सारी चीजें हैं। जी आपके शो को मिस कर रही हूं, एफएम पर नहीं आ रहा है अभी। हाँ जी एफएम पे तो नहीं आ रहा, तो आप फेसबुक पर नहीं सुन रही है? पैकेज नहीं है ना पी। कंजूस हो तुम लोग, मेरे लिए एक फेसबुक का पैकेज नहीं करा सकते हैं? अभी इनकम नहीं हुई है ना। इनकम नहीं हुई है। अच्छा चलो सही है, चलो बाद में सुन लेना जी। और बताइए और क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगी? नहीं बस आपसे बात करनी थी, अभी कॉल लगी थी मेरी आपने ना, रिसीव नहीं की। अच्छा हम मैं वो रिसीव करने जा रही थी, आप ही की होगी जो ड्रॉप हो गई। जी ऐसा होता है, मैंने जैसे सोचा रिसीव कर लूं फौरन वैसे ही मैंने क्लिक करने वाली थी, कॉल ड्रॉप हो गई। चलें और अपना ख्याल रखिए महरीन, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप सेहतियाब हो जाएंगी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपना ख्याल रखिएगा, फिर बात होती है इंशाल्लाह। सही है? अब जब आप आएंगी ना तो आप बिल्कुल सेट होंगी, सही है? आपने ये मेक श्योर करना है, आपने दुआ कर दी ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। चलें अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। ओके जी यार सारे लोग क्यों बीमार हैं, प्लीज सही हो जाओ सारे।
अच्छा नहीं लगता मुझे कोई बीमार होता तो। चलें जी, लेट्स सी कि कौन है हमारे साथ वेरी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आमना, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, आ गई आप? बिल्कुल, आप आए हम ना आए। ऐसे तो हमारे हालात ही नहीं है। कहो कहो कहो। हाँ जी हाँ, तो डायलॉग मारो। कौन से डायलॉग मारे थे वो राना इमरान भाई को? मैंने क्या डायलॉग मारे थे? हाँ, वो कह रहे हैं आपके लिए डायलॉग मारे थे, मैं भूल गया, आपको बताना। अच्छा, वो ख्वाब आंखों से ले, नींद आंखों से ले, थोड़ी आप वो गए तो ऐसा लगा कि जिंदगी हाथों से ले। अच्छा वाह 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 वाह। और बताओ, बहुत मिस किया, और क्या बताऊं? दो दिन मिस, दो दिन ही तो नहीं आई हूँ मैं, दो दिन में कितना मिस किया यार। मैं सोच रही थी यार, दो दिन की छुट्टी इतनी जल्दी खत्म हो जाती है आजकल, तो पता ही नहीं चलता। हाँ, साल का पता ही नहीं चलता, अक्टूबर शुरू हो गया पता ही नहीं चला, है ना? सैटरडे संडे इतनी जल्दी चला जाता है यार, नींद भी पूरी नहीं होती बंदे की। आपकी नींद पूरी थी, हमारी तो हम तो सोती ही रहते। हमारी नींद पूरी नहीं होती। अच्छा क्या है, पता है क्या, रात में ना आपकी याद आई ना, मैं पिक देख रही थी आपके, तो हर तरफ अंधेरा हो गया, मुझे लगा कि मैं आपके प्यार में अंधी हो गई ना। अच्छा, तो पता चला कि मोहल्ले की लाइट ही चली गई है, आपके प्यार में अंधी हो गई हूँ। ये चला पता चला मोहल्ले की लाइट गई हुई थी, हर तरफ अंधेरा, मुझे लगा मैं अंधी हो गई शायद आपके प्यार में। अच्छा नहीं यार, मेरे प्यार में वैसे अंधे हो जाओ, लेकिन वैसे अंधे ना हो। नहीं, मुझे लगा फिर पता चल गया था ना कि भाई लाइट ही चली गई है। हाँ, लाइट ही चली गई। ये अच्छा भाई, बचा दो भाई। बचा दो भाई, लड़की की बात सुनो। बचा दो भाई। यार बचा दो भाई, अगर अंधे हो जाए तो फिर कौन नहीं, नहीं, प्यार में कोई ऐसा थोड़ी ना अंधा होता है। मुझे क्या पता, ऐसे बोल रही है कि मैं तो पता नहीं क्या है, आपको तो पता होगा। नहीं, आप कहती है ना मुझे एक्सपीरियंस है चीज का, जाहिर है इसका भी एक्सपीरियंस होगा। नहीं नहीं, हमने ऐसा एक्सपीरियंस कोई नहीं किया, हमने अपने आप को बचा के रखा है। नहीं तो अच्छी बात है, बचना भी चाहिए। और क्या भाई, तमाम सुनने वालों को वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, अरूसा नहीं, अरूसा अभी तो नहीं आई, अरूसा सुन रही होगी लेकिन अभी तक आई नहीं है अरूसा। अच्छा, बनात छोड़ दिया अपनी यादों का आदि, क्या खूबसूला देते हैं दोस्त। वाह वाह, ऐसे कहूँ मैं, वाह वाह मुकर्रर मुकर्रर। आप ना वो मुझसे ना पश्तो में बात किया करें, इतनी अच्छी लगती है आपको पश्तो में। हाँ, पश्तो आदि का है जो पश्तो में बात करेंगे। नहीं, वो आप एक पठान आया था उसके साथ, आप पठान आया था, एक पठान आया था, एक पठान आया था। चलो सही है, लड़की पर इंशाल्लाह बात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी अम्मी को मेरा सलाम जरूर कहिएगा। सही है, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अपना बहुत सारा ख्याल जरूर, अपने ख्याल को भी ख्याल रखिएगा। चलो जी, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके यार, कितनी स्वीट है ये लड़की, मुझे बहुत ज्यादा यार आप लोग, और चलें जी, थैंक यू सो मच, आप लोग की मोहब्बतों का शुक्रिया कि इतनी मोहब्बत है आप लोग मुझ पर, ऐसे निछावर करते ना है। तुम एक सवेरा ढूंढ रहे थे, सदियों से जैसे जाग रहे थे, प्यार को अपने ढांप रहे थे, तेरे गिर पड़े कोई मिला ना सहारा, क्या करे। सो मैं ना कोई और गाना ढूंढ रही हूँ बैकग्राउंड में चलाने के लिए, कोई अच्छा सा गाना, कोई अच्छा सा गाना। एक अरे अरे वाह, आ गया ना गाना। आ गया ना मुझे गाना याद, और नज़र भी आ गया, मैं कल ही वाला गाना सोच रही थी कि मैं ये वाला गाना प्ले करूँगी, और नहीं नहीं बहुत बार प्ले किया, परेशान नहीं हो आप, हम कोई नया गाना आता ही नहीं जो हम प्ले करेंगे। तो इसलिए वही वाला गाना जो हम 100 दफा प्ले कर चुके हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, सही है। सो हम प्ले करेंगे दिस वन एंड दिस वन।
तेरी दूरियां मुझ पे गुनाह है, दिल चाहत इसकी गा। चलेंगे कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं 03216603 इस दिन नंबर कॉल कॉल्स को भी शामिल करते रहेंगे। वक्तन फवक्तन ने मुझसे कहा, मौसम कहते हैं कि बजाय शुक्रिया अंकल जजाकला बहुत खूब चैलेंज जी बहुत शुक्रिया। बजाय क्या होता है ये? कुछ देखो तो तू दिखता है। शेर यार गौरी कहते हैं तेरी चाहत थी और पता नहीं क्या था, कोई शेर शेर किया था। लेट्स सी कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। आपकी आवाज फिर सुनाई जा रहा है, आपकी आवाज जो है ना मुझे क्लियर नहीं आ रही है। आप ठीक है आवाज? हाँ जी बेहतर है। हाँ जी बताइए। ये बोल रहे हो आज आपकी आवाज फ्रीक्वेंसी पे नहीं जा रहा, सिर्फ फेसबुक पे लाइव जा रहा है। सिर्फ फेसबुक पर ही जा रहा है, पिछले हफ्ते से अभी रेडियो पर नहीं जा रहा है। हाँ जी इसीलिए बस यही बात है, क्योंकि जो रेडियो वाले लोग हैं वो सुन नहीं रहे हैं, इस वजह से आपको जल्दी से कॉल मिल गई, वरना तो कॉल लगाते लगाते ना थक जाते हैं आप। ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने के, हम वो दिन गुजर गए जो है। क्या थी आखिरी लाइन? क्या थी? कॉल ड्रॉप आ गई है। अरे तेरे ख्यालों से जगमगाता है तेरे उजालों से रक्स करता है दिल तुझ पे मरता हुआ पागलों सा तेरा जिक्र कर मेरे चैन सुकून तेरी राह तू रूह की ख्वाबगाह है तुझसे बिछड़ के बाखुदा मैं यहाँ जीना सकूंगा एक लम्हा आराम आता है दीदार से तेरे मिट जाते हैं सारे हम है ये दुआ के तुझे निकल जाए दम शुक्राना चाहे मैं जितना भी कर लूं कि फिर भी रहेगा तो कम तेरा तसव्वुर मुझे दे के मौला ने मुझ पे किया है करम आराम आता है दीदार से तेरे मिट जाते हैं सारे शुक्राना चाहे मैं जितना भी कर लूं के फिर भी रहेगा वो कम। ओके साथ साथ राजा जी कहते हैं कैसे हमारे को बढ़ाना जी कैसी हैं आप काफी दिन बाद शो सुन रहा हूं फ्रॉम पंजाब से ओके बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच वालेकुम अस्सलाम। शहरयार गौरी कहते हैं कि दिल तोड़ दिया गया ना बचा ली गई रूह जला दी गई मिट्टी सजा दी गई क्या हो गया भाई क्या हो गया यार क्या है भाई शायरी वाला शो नहीं है और ना तो दुखी शायरी हम सुनते हैं सीधी सी बात है। राना जी कहते हैं कि राना जी आबिद अमीर साहब को ना और भी काफी लिसनर्स हैं जिनको मेरा सलाम कहते हैं चैलेंज जी बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं बच्चों ये एफएम रेडियो भी ना परचून की दुकान की तरह होना है दो दिन बंद रहे तो ना घाग इधर उधर चले जाते हैं और सो आपके ना रेडियो के लिसनर्स का दिल ना इधर उधर लग गया तो देखें कहीं नहीं जाते बस हम तो इतना जानते हैं। साथ साथ है शहयार गौरी कहते हैं आजकल तो सबको बस यही ख्याल आता है कि कहीं घर से बाहर निकले और कोई मोबाइल ना छीन कर ले जाए। हम लोग ना सस्ते वाले कीबोर्ड वाला फोन रखने शुरू कर दे सही बता रही हूँ मैं अपने स्मार्टफोन जो है ना घर पे रख के जाया करें। सिर्फ कॉल ही तो सुननी होती ना भाई घर पे कॉल करके बताना है कि भाई हम आ जाएंगे या कब तक आएंगे जो भी है ना तो आपने क्या करना है कि आप ना कीपैड वाले फोन लेके जाएं घर से बाहर लेकर ही ना जाएं। हमारे मसला ये कि हमारे ना पूरे कराची वालों को शो ऑफ करने की बहुत आदत है आईफोन लेके जाएंगे अब आईफोन अब 14 प्रो आ गए तो 14 प्रो लेके जाएंगे कुछ लोग बेचारों के तो चाइना कॉपी छिन जाते हैं अल्लाह माफ करे अस्तगफुरुल्लाह। तेरे ख्यालों से दिल समरता है तेरे। अच्छा जी राजा जी कहते हैं मैं
कराची में आया था ना, पर मुझे ना कोई नहीं मिला, मेरा मतलब कोई लिस्टनर नहीं आने में, कराची का मौसम कैसा है। हाँ तो कराची में आएंगे तो मतलब क्या लोग अपने गलों में अपने नाम डाल के घूमते, क्या आपको पता चलेगा कौन सा लिस्टनर है। हद हो गई यार, क्या बोंगी मारी है। कराची आया था मुझे ना कोई नहीं मिला यार, ये क्या बात है। साथ साथ आप कह रहे अरे नकली मुछो वाले राना इमरान साहब, पहले ना मुछे तो सी रख ले। हाँ नहीं तो आपका नाम कैसे अच्छा रखा ना हमने, बिरयानी हकीम। काजी वाले वाले कहते हैं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है खुदा करे मेरी जिंदगी में मकाम है तुझे भूलने की दुआ करें और दुआ में तेरा नाम आए। ओहो अब तो आपकी शादी होगी, अब तो ऐसी बातें ना करें। निमरा खान वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग कहती हैं, सलाम टू सैयदा फरहाना अली एंड ऑल लिसनर्स, बहुत शुक्रिया निमरा। यार ये जो ना ऐसे ऐसे शेयर शेयर कर रहे हैं शहरयार गौरी, क्या हो गया मेरे भाई। और साथ साथ राजा जी कहते हैं मैं एक बात कहना चाहूंगा कि माशाल्लाह से रबीउल का महीना है, दुरूद पाक पढ़ते रहिए और अपने बच्चों को भी बताते रहिए, बताइए और ढेर सवाब कमाइए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। और बिल्कुल साथ साथ काशी वाली मालिक कहते हैं ये भी कोई गाने, बातें करते करते थक के सो जाते हैं हम, तो कराना चाहे मैं जितना भी सवाब की तरह बोरिंग है क्या। साथ सलमान खान एडवोकेट लैया से सुनते हैं गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। आपने मेरे कहते हैं कि आपको ना अपनी दोस्त की फिक्र है, हमें तो ना डेंगू की फिक्र है, वो भी किसी का बेटा है किसी का भाई था फरी। और डॉक्टर से ज्यादा ना हमें पता है कि डेंगू के डॉक्टर को ना डेंगू हुआ थोड़ी है, हमें तो हुआ था ना, तो इसलिए ना माई टोटका ना करें। साथ राणा मेरा राजपूत कहते हैं कि वाह वाह अमना डायलॉग भी आ गए और छा गए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। और हमदुल्ला कहते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत शय नींद है जो इंसान को कुछ वक्त के लिए हर गम से आजाद कर देते हैं। ये आपकी सोच है, कुछ लोग तो सोते हुए भी जागते ही रहते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ उस वक्त भी चल रहा होता है, उनके ख्वाब में भी वो तमाम चीजें याद होती हैं। सीधी सी बात है। शहरयार और ये कहते हैं कि मेरी कॉल क्यों नहीं लग रही, आप कॉल करेंगे तो जरूर लग जाएगी, लाइन बिल्कुल फ्री है। और साथ साथ हमदुल्ला बहुत शुक्रिया, हमें कोयटा से सुनते हैं, शो आपको पसंद आ रहा है। किंजा आवान भाई क्या हो रहा है भाई, क्या शेयर कर रही हो ये भाई, ये सारी जो किंजा बेटा मेरे पेज पे आके नहीं करना ये काम सारे, बता रही हूँ मैं, ये जो भी चीज़ें हैं ना आपने क्या करना है कि आपने ना इसको अपने पेज पे शेयर करो बेटा, अपनी आईडी बनाओ फिर जाके प्रमोशन करो, सही है। यहाँ पर ये मेरे साथ नहीं चलेगा, ये बता दिया मैंने। और सीधी सी बात, आपको मेरी अम्मी बेटा नाश्ता नहीं किया तो नाश्ता कर लो, नहीं क्या है क्यों पूछते भाई। नहीं आपको मेरी स्कूल की मैडम है कि प्रिंसिपल, बेटा आज तुम नाश्ता करके नहीं ना तो चलो सजा में खड़े जाओ, तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा तुम्हारा दिमाग, नहीं मतलब क्यों पूछते हैं, पता तो चले मुझे, क्यों पता तो चले। रोजाना एक ही सवाल, क्यों रक्स करता है दिल तुझ पे मरता हुआ। तो शहरयार गौरी कहते हैं कि ये तो ना कराची वालों का स्टाइल है कि 20,000 का मोबाइल छिनता है ना, उसके बाद जो न्यू लेते हैं वो 30,000-35,000 का होता है, हाँ ताकि वो छिने दोबारा से। वे अल्लाह करम करे, अपना रहम करे सब पर। आप ये कहते हैं कि बात सुने बच्चों, अगर काशी वाले मलिक साहब आपको ना मिठाई खिलाए ना तो आप सरप्राइज मत होना, वजह है बॉस। अच्छा चले ठीक है, पता नहीं कौन सी जो है ना मिठाई। कह रहे हैं यार कि ना बेरोजगारों को जॉब देने आई है किंजा आवान। बेचारी खुद कुछ है वो। यार क्या बोलूं मैं, अमर ने लिखा था मेरे बाबू ने थाना थाया। अमर कहाँ गया, तुम्हारा कमेंट में डिलीट कर दिया है, मैंने पढ़ लिया था बेटा। बाबू शाबू कुछ नहीं है वही में बस। अमर का कमेंट आ गया वापस।
शुक्राना चाहे मैं। चैलेंज जी बहुत शुक्रिया रिजवान जी आपका, वालेकुम अस्सलाम, और आपकी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह। चैलेंज हम एक गाना प्ले कर देते हैं भाई, बहुत हो गया और गला भी ऐसा टिंग 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 हो रहा है। हम गाना प्ले करते हैं कोई अच्छा सा, और गाना है चैलेंज वाला गाना सुन लेते हैं। आप लोगों को मैं इतनी दफ़ा सुनाऊंगी ना गाना, आप लोग रो जाएंगे बेचारे इतनी दफ़ा मैंने गाना सुनाना ये वाला। और ओके चैलेंज जी, ये वाला गाना हमने सुन लिया और अब हम सुनेंगे ये वाला गाना। यस, दिस इज लट्ठे दी चादर बाय क्यूबी एंड फरहान सईद। सो वापस आते हैं इसके बाद, फिर करते हैं आपसे बात, में वापस आने के बाद ना आपसे इजाज़त ले लेंगे, सही है? ठीक है ना, बस और नहीं तो क्या, बस इतना नहीं फ्री होते, सीधी सी बात है। नहीं मजाक कर रही हूँ। ये झोंका तेरे घर का रास्ता सजाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे तो बचाएंगे, इतनी सी बात है, कितनी बार आपको बताएंगे। रास्ता अकेले में तुझसे मिला तो कहेगा, अकेले में तुझसे मिला तो कहेगा, मिला तो कहेगा। कर दिया है खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या रंग कर दिया है खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या रहेगा, देख तेरा क्या रंग कर दिया है खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या रंग कर दिया है खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या पुराना है रल मिलके आसान तोड़।
चलूं, तू आ जा मैं तेरे संग चलूं, सतरंगी के लेके रंग चलूं, सतरंगी के लेके रंग चलूं। वापस आ चुके हैं, नेट्स 48 मिनट्स पास 10 ऑन द डायल राइट नाउ। सो चैलेंज कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं। और अरे ऐसा क्यों हुआ भाई, कोको स्टूडियो कब लेके और हमने कॉपीराइट आ गया भाई। ये देखें काम चेक करें, कॉपीराइट कैसे आया कोक स्टूडियो के प्ले करने के बावजूद। चैलेंज कमेंट्स को शामिल करते हैं। काशिप अली वाले कहते हैं कि अल्लाह बाकी नेक बंदे, सिर्फ कॉल सुनने के लिए मोबाइल रखा हुआ, आपका शो भी सुनते हैं, क्या चाहती हैं हम बंद करने सुनना। ओहो हम तो आपको मशवरा दे रहे हैं, सुन ले भाई सुन ले। आप ना स्मार्टफोन, आप चार चार स्मार्टफोन लेके जाया करें, एक ही बात कर रहे हैं आप चार लेके जाया करें, बस खुश हो जाए बस आप। अमर कह रही है ज्यादा तंग करें तो ना यहाँ भेज देना, मैं ना सही से ना थाना खिला दूंगी। हाँ ये अच्छा है अमर वैसे। राजा जी आ गया था, रिक्वेस्ट है ना एक ट्रैक लगा दो इंग्लिश जॉनस ब्लू का, बस कर दो बेटा। आप ये कहते हैं कि हमने तो मैचेस देखना ही छोड़ दिए हैं क्योंकि हमने फैसला किया है कि हम खुश रहना है, हमें खुश रहना है, और अभी 11 लोग ना बार बार दुखी कर देते हैं, आप नहीं समझो की बाजी। देखिए हम तो देखते ही नहीं मैचेस लिए। साथ साथ शहरयार और कहते हैं ऐसे बेकार सॉन्ग कहाँ कहाँ से ढूंढ कर लाती हो, किसी ने इतनी मेहनत की है और कमाल के सिंगर सर आप कह रहे हैं बेकार का गाना, और आप ऐसी बेकार की शायरी कहाँ कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, गूगल से डायरेक्टली छाप देते हैं यहाँ पे, तब कुछ नहीं होता है। दूसरों को नसीहत खुद को फसीहत। रिजवान जी कहते हैं कि अल्लाह को कामयाबी और कामरानियाँ और बुलंद मकाम अता फरमाए। चैलेंज बहुत शुक्रिया अमीन सुमामीन, जज़ाकल्ला आपकी दुआओं के लिए। और साथ साथ कहते हैं आई एम फीलिंग बेटर सो आई जस्ट जॉइन योर शो नाउ चैलेंज। अल्लाह ताला आपको सेहतयाबी अता फरमाए, हमारी दुआएं आपके लिए। और साथ साथ अमर कहते हैं फेड अप यार अब और नहीं, क्या लिखा था, कह रहे इतना आराम तो ना कभी नहीं किया तो अब मुझसे आराम नहीं हो रहा। कोई बात नहीं अंबर, आ जाए आप थोड़ी सी एक्टिव हो जाएंगे तो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। रिजवान रिजी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और काशिप अली मलिक कहते हैं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा करे मैं मेरी जिंदगी में ये काम आए, हाँ जी मैंने पढ़ लिया था, बहुत शुक्रिया। आप भी ना बोंगियां मारने में ऐसे माहिर हो गए कि बस। और राणा इमरान राजपूत ने सबको सलाम दिया है, रमजान साहब को और भट्टी साहब को, मनाजिर महमूद को और बहुत सारे लोगों को। आप कहते हैं फरी आज क्या बनाएंगे आप, वही बैंगन बैंगन, पता नहीं भाई ये मुझे नहीं पता आज मैं क्या बनाऊंगी, सुबह सुबह थोड़ी ना डिसाइड होता है। राणा इमरान राजपूत कहते हैं कि सिस्टर शुक्र है कि बिरयानी हकीम ना साहब ने अभी तक कुछ नहीं कहा, वो अकेले में
अच्छा ये अम्मा कह रही हैं कि जिनको डेंगू की ज्यादा फिक्र है ना उन्हें कहो कि एक दो इकट्ठे करके पाल लें, बिरयानी खिलाएं उन्हें भी। काजू वाले वाले कहते हैं अब ये दौर आ गए कि कुछ साल में औलाद की खुशी नहीं मिले तो लोग फारिग कर देते हैं कि कल से दिल बहुत उदास है, जॉब से निकाल देते हैं। आप जब ये कह रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे साबिर अजीमी भाई, लगता है कि आज बिरयानी की देग आएगी। हाँ हाँ, पूरे हॉस्पिटल को खाना खिलाएंगे और जो साथ में बस्ती है ना शीरी जरा कॉलोनी, पूरी पूरी कॉलोनी को खाना खिलाएंगे। राणा इमरान राजपूत कहते हैं कि सिस्टर बाखुदा शो में आकर सिर्फ मैं सबसे मजाक मजाक की हद तक ही बात करता हूँ, अगर किसी को मैं कोई बात बुरी लगी है मेरी बात तो कान पकड़ के सॉरी कर। अरे कोई बात नहीं, हम सिर्फ मजाक की बात ही करते हैं। शरियार गौरी कहते हैं मैं दोजक से ढूंढ कर लाता हूँ। बेटा वहीं पर ही चिप्स बना के खा लिया करो, एक काम ये किया करो, इतनी मेहनत ना किया करो कि दोजक से ढूंढ के यहाँ पे लेकर आओ। अब्दुल रशीद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, फैसल कॉलोनी चकवाल से सुनते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आबिद मीर कहते हैं कि हमारे बैंक ने तो हमें विश नहीं किया, हाँ कंजूस लोगों को याद दिलाने के लिए बर्थडे विश करते हैं क्योंकि ना पैसे भी जमा करवा लें बाजी। अच्छा ये कब से हुआ भाई? चलें जी बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, हम इजाजत चाहेंगे बस आपसे। इमरान कहते हैं कि मेरी बहन लबाक आपकी हिफाजत करे, आमीन सुबह में जजाकला, बहुत शुक्रिया, बस आप लोगों की दुआएं हैं जो हमें यहाँ तक ले आती हैं हर सुबह। दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब कल सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत 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 ज्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। मेरे बाद आपको ज्वाइन करेंगी हुमैरा सदा, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मगफिरत जरूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में यार। फरहाना इस्माइली साइनिंग ऑफ।